अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मैं रावलपिंडी के घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर खबर छापी गई, झूठी खबर, दो नंबर खबर अंग्रेजी अखबार में, कि होली फैमिली हॉस्पिटल के एक डॉक्टर है वो इंसानों का खून पीती है। मैं इस घर में गया हूँ, बच्ची का इंटरव्यू किया, जाहिर है उसके सामने ये खबर की बातचीत नहीं कर सकता था। वो बेचारी ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गई है। वजह यह है, हॉस्पिटल इंतजामिया ये कह रही है खबर झूठी थी, साफी कह रहा है खबर झूठी थी, फ्रॉड थी, सोशल मीडिया ने फ्रॉड फैलाया, फ्रॉड वीडियोस की। और वजह यह है, और वह यह है, रिजल्ट ये निकला कि पूरा फैमिली, पूरा खानदान, पूरा घर आज 3 दिनों से रोटी नहीं खाई उन्होंने। खाना सारा उधर पड़ा हुआ है और ये सारे परेशान हैं, डिप्रेस हैं। बच्ची ने MBBS किया, उसके बाद हाउस जॉब कर रही थी, उस दौरान कुछ दोस्तों ने मिलकर इल्ज़ाम लगाया कि तुम इंसानों का खून पीती हो। रिजल्ट ये निकला कि ये घर हम सब मिलने मिलकर बर्बाद कर दिया है। इस बच्ची का मुस्तकबिल हम सब ने तबाह कर दिया है। और ये किया है सोशल मीडिया ने, और ये किया है एक पढ़ी लिखी यूथ ने, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ ने। बच्ची का इंटरव्यू सुनवाते हैं आपको, आप खुद हालात को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी ज्यादती एक खानदान के साथ की गई है। ख्याल रखिएगा अपना, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर युसरा साहिबा के घर में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा खुद तशरीफ फरमा हैं, उनके वालिद हैं साकिब साहब, एक इदारे से रिटायर्ड हैं, उनकी वालदा हैं स्कूल टीचर हैं। एक झूठी खबर, बेबुनियाद खबर, जिसकी साफी ने तर्दीद की है, उस खबर ने इन 3 लोगों की फैमिली का ये हाल कर दिया कि ये सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन ये 3 दिनों से खाना नहीं खा पा रहे। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये झूठी खबर, एक झूठी तस्वीर एडिट करके आपके बारे में लगाई गई है, आप क्या क्या मैं क्या जो कहेंगे आप इस बारे में? मैं नहीं कह सकती हूँ कि जब ये खबर आई तो इतनी रिडिकुलस थी कि हम लोग ने कहा कि इसकी तर्दीद भी क्या करें। हमने कहा कि शायद डाई डाउन हो जाए कुछ अर्से में, लेकिन ये बात बिल्कुल फैलती गई जंगल, मतलब बिल्कुल वायरल होती गई। कुछ लोगों ने शायद अस्पताल में भी, चंद लोग थे जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ या जो भी है उनके साथ तावन किया, ये खबर फैलाई है। और मतलब किसी को मतलब इतना बुरी तरह डिफेम करने के लिए ज्यादती। आप अच्छा, आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप तस्वीर देखें थंबनेल के ऊपर और इस बच्ची को आप देखें, ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, यानी इन्होंने अभी अभी MBBS कंप्लीट किया है और उसके बाद हाउस जॉब कर रही थी, यानी अपने पेरेंट्स का, अपने बुजुर्ग वालदेन का इसने सहारा बनना था। ये वो बेटियां हैं जो इस मुआशरे का एहसास होती हैं, और ये आज इनके वालिद साहब बैठे हुए 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, बात करते हैं ये रोना शुरू कर देते हैं। सेम गोज फॉर हर मदर एज वेल, घर के अंदर बैठे हुए फैमिली, दूसरी जो फैमिलीज हैं उनकी राय अलग सामने आ रही है, सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब साहब, कितने मुश्किल 3 दिन थे जब तक आप लोगों ने रिबटल नहीं दिया और ये झूठी खबर प्लांट की गई? देखिए, मुश्किल दिन तो अब भी हैं, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस तरीके से बातें आगे चल रही हैं या चलेंगी, लेकिन अभी तक तो बहुत ही मुश्किल दिन है, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, खासकर हमारी बेटी के लिए कि एक ऐसा इल्जाम, हम वो जी पागलखाने में दाखिल है, अब देख लें हमारे साथ बैठी है, न कहीं गई है न कहीं आई है, और साथ ये भी कहा गया जी कि उसके पेरेंट्स उसके नहीं मिल रहे हैं और वो अकेली पड़ी हुई है, और साथ ये भी कहा गया जी इसने गायनी में ये किया, गायनी में इसका आना जाना ही नहीं है, इसका जो जाप थी वो दूसरी, यानी सारा कुछ फ्रॉड था सर। अच्छा, टोटल मतलब इसमें कोई चीज नहीं थी। अच्छा, लेबोरेटरी का जिक्र है, लेबोरेटरी में डॉक्टरों का कोई काम ही नहीं होता, वो लेबोरेटरी को ब्लड का जो आना जाना होता है वो या तो वार्ड बॉय करते हैं या नर्सेस करते हैं, बगैर सोचे समझे। और सब जगह ये लिखा जा रहा है जी वालदेन से रब्ता किया गया, वो फोन नहीं उठा रहे, और ये वही वालदेन है जो आज रिबटल दे रहे हैं और साफी माजरत कर चुका है कि जी खबर झूठी थी, प्लांटेड थी। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे बताया 2-3 दिनों से आप लोग खाना भी नहीं खा सके। जरा टेंशन इतनी ज्यादा है, मेरी बच्ची इतनी परेशान है, जब ये नहीं खाएगी तो हम कैसे खा पाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये 3 लोगों की फैमिली है और ये आप लोगों ने वीडियोस शेयर कर करके, वीडियोस बना बना के ये कर छोड़ा है। ले लें व्यूज, हम सारे लोग शायद डॉलर्स कमा लेंगे, 4 व्यूज ले लेंगे, बट दिस इज ऑल वी डिड टू दिस फैमिली। शाबाश, सब एक दूसरे को शाबाश देते हैं और वीडियोस बनाएंगे जाली और फैलाएंगे जी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।